आज मैं सैरी स्पेशल में बना रहा हूँ खड़े मसाले का चिकन। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है तकरीबन 1 किलो के आसपास मेरा ये चिकन है हड्डी वाला। इस तरीके से मैंने धो लिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ मैंने तकरीबन 1 ही किलो मैंने प्याज लिया, इसमें प्याज ज़्यादा डालती है, इसको मैंने इस तरह काट लिया हुआ है। 5 मैंने टमाटर लिया, उसका मैंने पेस्ट बना लिया हुआ है। अगर आप साबुत डालना चाहते हो साबुत भी डाल सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे दही ली है, 1 कप मैंने यहाँ पे एक ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ये पिसा हुआ नारियल लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ये खसखस लिया, अगर नया हो तो स्किप कर दें इसको। 4 मैंने ये हरी मिर्ची ली, मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास जो अवेलेबल थी तो मैंने वो ले लिया, आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने खड़ा गर्म मसाले लिए हैं, तेज पत्ते हैं, दालचीनी है, बादियान का फूल है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, जीरा है, छोटी की काली मिर्ची है, लौंगे हैं, ये सब मैंने बराबर बराबर का ले लिया है, ठीक है। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इससे टेस्ट हमारा बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। नमक लिया है हसबैंड का, आप टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून लिया है, 1.5। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं, अगर ना हो तो आप सिंपल वाली भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, और ये 5-6 मैंने ये लाल साबुत मिर्च लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट कढ़ाई ले लिए, इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल, ऑयल ऐड कर दिया। अब साथ इसमें ऐड करेंगे अपनी प्याज को, और इसको हम फ्राई होने देंगे। तो देखिए हमारी ये प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो इस पॉइंट पे अब हमने ऐड करने हैं अपने सारे खड़े मसाले। साथ ही इसको हम पकने देंगे, इसको प्याज के साथ ही, जब हमारे ऑलमोस्ट होने लग जाएंगे तकरीबन ब्राउन प्याज, फिर इसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे। तो देखिए हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्के हल्के लाइट ब्राउन हमारी होने शुरू हो गई है। इस पॉइंट पे हम अपने चिकन को ऐड करेंगे। तो इसको हम इस तरह भूनने देंगे तकरीबन 15 मिनट तक। मुझे भूनते हुए इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, कलर भी इसके चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करेंगे इसको, ऐड करेंगे स्पाइसेस, टमाटरों का पेस्ट, को हम हरी मिर्ची डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, और इसकी भुनाई करेंगे बाद में। देखिए मुझे भूनते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हुए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी खसखस, पिसा हुआ नारियल और दही। कवर करके तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। खड़े मसाले का चिकन रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें लास्ट में हमारा ये निखर में बनाया हुआ ये गरम मसाला है पिसा हुआ, वो इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के एंड पे डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैंने यहाँ पे ये पुदीना और धनिया काट के पहले रख लिया हुआ है, तो ये हम थोड़ा पूरा एक मुट्ठी हम ये धनिया और पुदीना मिक्स वो इसमें हम ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। तो बस हमारा तैयार हो गया,
तो देखिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा खड़े मसाले का चिकन। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, शहरी में बहुत मज़ा आएगा।